الصلاة خير من النوم. ما شاء الله سبحان الله جزاك الله الحمد لله. ہم آ چکے ہیں سرکار کا یہ ہے ایک درگاہ شریف ہے. ما شاء الله سبحان الله جزاك الله الحمد لله. ایک بزرگ یہ ہیں آپ لوگ زیارت کر لیں ان شاء اللہ تعالی. دعا کر لیں سارے لوگ. اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الحمدللہ. یہ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ چلہ کیا تھا اور یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں آ گئے اور آپ لوگ زیارت کر لیں دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اللہ رب العزت اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو حاضری کرتا ہے جو زیارت کر لیتا ہے جو لوگ آیا وہ بھی جو نہیں آیا وہ بھی اللہ رب العزت سب کی آرزوؤں کو پوری فرماتا ہے. آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں جو زیارت کرنے کے لیے آتا ہے پھر دعا جو کر لیتا ہے سب کی آرزوؤں پوری ہو جاتی ہے. زیارت کر لیجیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ کشی عبادت گاہ ہے. درگاہ شریف یہ ہے. آپ لوگ زیارت کریں آج تمامی لوگوں سے گزارش کریں. دیوا شریف کا نقشہ ہے بالکل بنا ہوا. ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. سیم دیوا شریف کا نیچے رکھ لیں. اتنا پیارا روزہ دیوا شریف بالکل ہو بہو دیوا شریف خوبصورت رنگا بہت خوبصورت ماشاءاللہ بڑا اچھا بہترین. اور میں تو کہتا ہوں دنیا کے کسی کونے سے بھی انسان ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ایک بار دیکھ لے زیارت کر لے انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا لگ رہا ہے حقیقت میں یار. ہے جی آؤ ادھر چلتے ہیں چاروں طرف سے. ہاں ہاں چاروں طرف سے ایک ساتھ اندر بھی چلیں گے. ابھی مستان شامی رحمۃ اللہ علیہ لو 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 چلو لے جا جا دیکھو. ہاں ہاں والے آپ جاؤ میں لے لوں گا.
दो हो गए। अच्छा बहुत लग रहा है में। पीछे से भी ऐसी है ना, माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह। पूरा जो ज़ियारत करें आप लोग ज़ियारत करें इंशाल्लाह ताला। सरकार का रोजा यहाँ का ये सब और ये पूरा मस्तान शामिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। यहाँ से बड़े लोग फैजियाबी हासिल करते हैं, कैसा ही कुछ हो कुछ भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अंदर की ज़ियारत हम लोग कराते हैं और हुज़ूर सैयद मस्तान शामिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुकद्दस में हम अंदर जा रहे हैं, दुआ करेंगे थोड़ा सा। जी जी जी। अभी चादर पेश हो रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चादर पेश हो ठीक है, आप बना दीजिए बना दीजिए। तमामी हजरात दुआ करें, सरकार के आस्थाने मुबारक पे हम लोग खड़े हुए हैं और दिल की गहराइयों से आप दुआ करें। हजरत सैयद मस्तान शामी रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम हजरत सोहराब खान और आपका अब्दुल समी खान यहीं गौली शरीफ रहते हैं माशाल्लाह। ये हम सरकार की बारगाह में आए और सरकार के खादिम क्या बताया अब्दुल समी खान और सोहराब खान, ये दो भाई जो कि बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, तो इनसे मुलाकात हुई और सरकार की बारगाह में आने का इन्होंने जो है इजाज़त दी। इनसे इजाज़त ली तब हम सरकार की बारगाह के तशरीफ़ लाए और आप तमामी हजरात दुआ करें इंशाल्लाह। कभी भी अगर आप कहीं से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से अगर कोई भी इंसान आता है तो आप यहाँ आएँ। और ये वो पाए के बुज़ुर्ग हैं जिसके बारे में मैंने कुछ हिस्ट्री पढ़ी भी है सुनी भी है कि पूरनपुर में शायद आपका विसाल हुआ था और वहाँ शायद आपका जनाजा दफन करने के लिए कोशिश की गई थी लेकिन आपका जनाजा नहीं उठा था। इंस्पेक्टर ने ये कहा हाँ ऐसा है झगड़े पर बात आ गई, हाँ ये कहा जिससे जनाजा उठ जाए कोई ले जाए वो ले जाए, उन लोगों ने उठाया तो उठा नहीं, हाँ गैलिया वालों ने उठाया तो उठ गया। माशाल्लाह ये गैलिया की सरजमीन पे आप आराम फरमा है, गैलिया वालों ने जनाजा उठाया आपका तो वो उठ गया, उठने के बाद में आप यहाँ ले आए गैलिया शरीफ के लोग और आपको यहीं पर दफन किया गया। आज ये बिल्कुल कहते हैं कि बशकल हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का तरह जो मैं आपका मदार पाक है, हाँ रोशन माशाल्लाह। तो कहीं से भी इंशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ यहाँ आके समझे समीन भाई और मतलब जो है सौरभ भाई अब्दुल समी खान साहब, तो पहली बार मैं आया हूँ असल में, इंशाल्लाह बार बार आता रहूँगा। मैं बहेड़ी से बिलोंग करता हूँ, बहेड़ी रहता हूँ, चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड से इंशाल्लाह कल ये वीडियो या आज ये वीडियो मैं रिलीज़ कर दूँगा और पूरी दुनिया इंशाल्लाह सरकार के रोज़े की ज़्यारत करेगी। और ख़ासकर आप अपना थोड़ा सा नंबर बताएं अगर कोई बाहर कंट्री से भी अलहमदिल्ला मेरे पास कॉन्टेक्ट आ 97205 38 658। ये समीन खान सोहराब भाई का ये नंबर है और आपका
88591 हाँ 88591 94678 ये शोराब भाई का ना ना अब्दुल सलीम भाई का। अच्छा अब्दुल सलीम भाई का ये इनका नंबर है। कहीं से भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी है किसी कोने से अगर आप गहलुए शरीफ हजरत मस्तान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुकद्दस में आना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह आने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मुलाकात सबसे हो अच्छे तरीके से हाजिरी हो जाए क्योंकि बाहर कंट्री का है बाहर से दूर से आता है उसको मालूम नहीं है इंशाल्लाह आप यहाँ आइए अगर किसी भी मकसद से आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा तो थोड़ी सी ज्यारत चारों तरफ हम करा दें इंशाल्लाह सरकार के रोज़े की सरकार के रोज़े की ज्यारत कर लें ज़ियारत कर रहे हैं आप लोग मज़ार शरीफ की चलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़ियारत मैंने कराई